जय संगठन के बैनर तले आदिवासी अधिकार मंच कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जय संरक्षक व मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा रहे मौजूद। राजनीतिक पार्टियों पर साधा निशाना। एमपी में आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देने जय आदिवासी युवा शक्ति जयस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जयस आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों और समाज के प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में अभी जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन से एकमात्र विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा मनावर हैं। अलावा जयस संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। शनिवार को बड़वानी विधानसभा के ग्राम गंधावल में जयस संगठन के बैनर तले आदिवासी अधिकार मंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जयस के महेंद्र कन्नौज बाहुबली, जयस संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजू पटेल, जयस प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे, संभागीय सचिव सतीश दुर्वे समेत सभी क्षेत्रों से जयस संगठन के अन्य जयस कार्यकर्ता शामिल हुए। ग्राम पंचायत गंधावल में आयोजित आदिवासी अधिकार मंच में जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि जयस मिशन युवा नेतृत्व को साकार करने के लिए युवाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए व लोकसभा व विधानसभा में युवाओं को पहुंचाया जाएगा। इस बार बड़वानी जिले में भी जयस पढ़े लिखे युवाओं लगातार कमान संभाले रखे, अब इतिहास रचेंगे आदिवासी अधिकार मंच। आखिर पंक्ति में खड़े व्यक्ति युवा की आवाज है। बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार युवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी हमारे आदिवासी समाज सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस दौरान डॉक्टर अलावा ने बड़वानी विधानसभा से संदीप नरगावे को चुनाव में उतारने की बात भी कही। वही डॉक्टर राजू पटेल ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारी भ्रष्टाचार हुआ, सांसद के संसदीय क्षेत्र में उनके ही ठेकेदारों ने कागजों पर निर्माण कर दिया है। इसके अलावा रोजगार के कोई अवसर नहीं है। क्षेत्र के आदिवासी लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इस दौरान जयस प्रभारी मुन्ना मोरे, संभाग सचिव सतीश दुर्वे, मंडल अध्यक्ष कमलेश सोलंकी, रेसला जमरे, भारत डोडवा, भूपेंद्र डोडवे, गंधावल सरपंच कुंवर सिंह सस्ते, कुंवर सिंह पटेल सस्ते समेत बड़ी संख्या में जयस के युवा मौजूद थे। उम्मीद दी है, जय संगठन ने युवा नेतृत्व का एक नारा देकर विधानसभा तक पहुंचाया है, लेकिन कुछ लोगों का स्वार्थ और कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि जिस संगठन ने उनको पहचान दी उसके साथ बेकारी करते, अगर वो जा रहे हैं तो उनका अपना राष्ट्रीय स्तर से लगे भोपाल से लगा के जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ ये जरूर चर्चाएं चल रही है कि आदिवासी जो जय संगठन दो खड़ा हो चुकी है। जय संगठन हमेशा एक था, एक है और एक रहेगा। जय संगठन की जो फाड़ की खबरें एक राजनीतिक पार्टियां एक रणनीति सोची समझी कूटनीति के तहत ही अफवाह फैला रही है। जय संगठन में हमारे सभी युवा साथी, हमारे महेंद्र बाहुबली, हमारे राजू पटेल से लेकर हमारे प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारे साथ है। संगठन के कोई भी टुकड़े नहीं हुए। कुछ लोग भ्रमित भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं कि जय संगठन दो फाड़ में तीन फाड़ में हो गया है, ये खबर पूरी तरह झूठी है। कुछ लोग कुछ निजी स्वार्थ के लिए पीला गमछा छोड़कर अगर गुलाबी गमछे में चले गए तो इसका मतलब जय संगठन नहीं टूटा है। जय संगठन समुंदर है, इसमें दो चार बूंदें कम होती तो हमको इससे कोई फर्क नहीं। आप इस बार मनावर से या कुक्षी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मनावर की जनता ने हमें पिछली बार 40,000 वोटों से भारी बहुमत से जीताकर आशीर्वाद दिया है। उनके लिए हमने काम किया है पिछले 5 सालों में लगातार। मनावर क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो जैसी सुविधाओं के लिए हमने काम किया है और निश्चित ही हमारा संगठन और हमारी टीम है मनावर से ही अगर बोलेंगी तो बिल्कुल मनावर से ही लड़ेंगे और पहली प्राथमिकता मनावर से। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने गोविंदा हिरो को बुलाया था और कहीं कहीं वो जीत के अंतिम खेल ठोकी थी आपने, तो आगामी विधानसभा में चुनाव में कोई हिरो को बुलाने की संभावना? देखिए, पिछले विधानसभा में हमने गोविंदा जी को बुलाया नहीं था, वो जयस के समर्थन में खुद आए थे, पर हमें खुशी की बात है कि गोविंदा जैसे सुपरस्टार जयस के समर्थन में आएंगे। और इस बार आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े सुपरस्टार जयस के समर्थन में आने वाले हैं और जयस के साथ खड़े होने वाले हैं, क्योंकि जयस अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों की आवाज़ है। पर आज इस देश में
जो भी अंतिम इस देश में बराबरी का पक्षधर है, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की समानता का पक्षधर है, तो सभी लोग जय के साथ खड़े होंगे। आज जय के साथ सामान्य वर्ग खड़ा है, ओबीसी खड़ा है, आज जब इसके साथ माझी समाज खड़ा है, नायक समाज खड़ा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो ऐसी जातियाँ जिसको राजनीतिक पार्टियों ने कभी माझी समाज, नायक समाज, इनको कभी भी महत्व नहीं दिया, सारी संगठन जय के साथ जुड़कर विधानसभा 2023 के चुनाव में मैदान में उतरेंगे। मेरा फिर अंतिम सवाल आपसे है कि कांग्रेस के विरुद्ध अगर जय खड़ा करना पड़ा तो आप विधायक के लिए कांग्रेस के पास एक विकल्प है कि प्रदेश में नए युवा, जो पढ़े लिखे युवा। RPTV न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। जय। न्यूनतम दरों पर कुरियर सर्विस संपूर्ण भारत में। हमारा पता अक्षदा कुरियर, MG रोड, साई राम जींस की गली में, बड़वानी।